बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, मैं हूं मतीउल्लाह जान और आप देख रहे हैं जान से इलेक्ट्रिक वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बैटरी को रिपेयर करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बैटरी में अजीब कस्म की मर्ज़ है। जब तक इसे छोट नहीं दिया जाता तो ये न ऑन होती है न ही ऑफ होती है। मैं आप लोगों को ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने ऑन किया लेकिन ये ऑन नहीं हो रही है। अब मैं इसे छोड़ दूँगा। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, छोड़ देने के बाद ये ऑन हो गई है। अब जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये ऑफ हो जाएंगी। तो इसे हम कॉल कर चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो इसके स्क्रू भी खोलेंगे। तो दोस्तों, इसकी जो ए सेल की पॉजिटिव वाली जगह है ये ख़राब हो चुकी हैं। ये अंदर की तरफ पिचका हुआ है, तो जिसकी वजह से जब सेल इसके साथ लग जाता है तो ये ऑन होता है। जब इसके साथ सेल नहीं लगता तो ये ऑन नहीं होती। और इसके अलावा दोस्तों, इसका जो प्लास्टिक का कवर है वो भी यहाँ से टूट चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं। तो पहले हम इसे इल्फी की मदद से रिपेयर करेंगे। जी तो दोस्तों, तो हमने इसे इल्फी की मदद से टाइट किया। ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसका सर्किट जो है वापस इसमें फिट करेंगे और देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। और इसे इसकी पड़ी में फिट करेंगे। अब इसका ये लॉक इस पर लगाएंगे। अब इसके साथ बैटरी कहने कहने के ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी बैटरी अच्छी तरह से ठीक हो चुकी है। असल में इसका जो ये बटन है, इसकी बैलेंस आउट हो गई थी, जिसकी वजह से ये सेट के साथ फंस रही थी, तो लाइट ऑन नहीं हो रही थी और ना ही ऑफ हो रही थी। अभी ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। आप लोगों के सामने मैं चेक करता हूँ। तब इसका ये आखिरी कोर भी इस पर लगाएंगे। तो दोस्तों, इसे हमने चेक कर लिया है, ये मुकम्मल तौर पर ठीक है। तो ये कवर मैंने दोबारा उतार लिया। अब हम इस पर इसके स्क्रू लगाएंगे। तो इसके स्क्रू भी लग गए हैं। हम इसकी बॉडी को फिट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।